की मुश्किलें, कोरोना के डेडिकेटेड हॉस्पिटल में दवाओं का संकट, स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा गया मामला। कोवैक्सीन को लेकर अच्छी खबर, कोवैक्सीन के घटे दाम, 400 रुपए में मिलेगी डोज। कटिहार में वीआईपी न्यूज की खबर का असर, दवा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर जांच, कई कागजातों को किया गया जब्त। और अनूपपुर में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 7 मई तक लगा कर्फ्यू, कर्फ्यू का कराया जा रहा है सख्ती से पालन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है, आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, तमाम कोशिशें अब बेकार साबित हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों में भी राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 1 लाख के पार जा चुकी है। नए केस बढ़ने के साथ राज्य भर में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर घटती जा रही है। और इसी बीच एक बुरी खबर ये भी है कि लगातार यहाँ पर 18 साल से 45 साल के बीच के आयु के लोगों का होने वाला टीकाकरण भी राज्य भर में टल गया है। इसके पीछे पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं होने की वजह बताई गई है। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो एक दिन में यहाँ 13,079 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। राज्य में कोरोना के संक्रमण की दर की बात करें तो 13.35% रही। पटना में सबसे ज्यादा 2,186 नए मरीज मिले हैं। तो पूरे बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन शुरू कर दी गई है। शाम 4 बजे से सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए 12 घंटों का कर्फ्यू भी लगेगा। अब पूरे परिवार में सुबह 6 बजे से यहां पर शाम 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी और निजी दफ्तर में शाम 4 बजे के बाद यहां पर बंद हो जाएगा। और इसी बदले हुए गाइडलाइन को देखते हुए पटना के बोरिंग रोड, डाक बंगला समेत लगभग सभी दुकानों ने 4 बजे ही यहां पर बंद हो चुकी हैं। तमाम प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया। साथ ही इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता कुमार गौतम ने। बढ़ते कोरोना को देखते हुए सरकार ने आज से एक नई गाइडलाइन शुरू कर दी है। शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं राजधानी पटना के बोरिंग रोड में, जहाँ पर तमाम जो दुकानें हैं वो अपने आप बंद कर रहे हैं। देखिए, 4 बज गए और सभी दुकानें लगभग राजधानी पटना के बंद कर दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि कोरोना के संक्रमण को तोड़ना है। तो शाम 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। और ऐसे में आपको बता दें कि शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे के बाद लगभग दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगी हैं और कुछ दुकानों ने पहले से बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक बंद करना है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लगातार दुकानें जो हैं बंद हो गई हैं। और शाम को 6 बजे से, यानी कि 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का आलम रहेगा, यानी कि राजधानी पटना को ही नहीं पूरे बिहार में ये चीज़ें लागू की जाएगी। और इस नए गाइडलाइन के मुताबिक अब बिहार के अंदर जो दुकानें हैं वो अब शाम 4 बजे के बाद से बंद हो जाएंगी, सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी 2 घंटे बाद से कर्फ्यू शुरू हो जाएगी। और जो लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, 6 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिलेगा। तो हम आपको स्पष्ट कर दें, यदि आपको नई गाइडलाइन के मुताबिक जब चलेंगे तभी जाकर के कोरोना से जंग जीती जा सकती है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जितनी तेज़ी से बिहार की राजधानी पटना और तमाम दूसरे जिलों में देखने को मिल रही है, स्थिति यहाँ बहुत ही भयावह है। और ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं लगाया है, लेकिन लॉकडाउन की ये जो दूसरी प्रक्रिया है उसके तहत शाम 4 बजे से दुकानें बंद है। आप देखिए कि तमाम जो दुकानदार हैं जो इस वक्त खुले रहते थे वो आज से सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चलेंगे और 4 बजे के बाद दुकानों को बंद कर दिया जाएगा और जो दुकानें खुली रहेगी उनके ऊपर कोविड-19 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि शाम 4 बजे के बाद से 2 घंटे बाद कर्फ्यू रहेगा और कर्फ्यू शाम 6 बजे से लेकर के आप दुकानें, आपकी भी थी क्या, आप यहाँ दुकान में आए थे या आपकी दुकानें? नहीं, हम सेल्समैन हैं सर। अच्छा जी, आपको पता है नई गाइडलाइन के मुताबिक 4 बजे तो दिक्कतें होगी लोगों को?
हाँ दिक्कतें तो होगी सर, लेकिन कोरोना के गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। हाँ तो ऐसे में इसका प्रभाव पड़ेगा? हाँ प्रभाव पड़ेगा। अच्छी बात है जी सर, लॉकडाउन नहीं हुआ तो ज़्यादा अच्छा है ना सर। सब प्राइवेट संस्था वाले को तनख्वाह नहीं मिलेगा, बहुत सा प्रॉब्लम है, कम से कम तनख्वाह तो मिलेगा जी, राहत की बात है सर। बिल्कुल, तो कुछ राहतें हैं, कुछ रियायतें हैं जिसको लेकर के शाम 4 बजे के बाद दुकानें आपको राजधानी पटना ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में नए गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें बंद रहेगी और शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा और कर्फ्यू में तमाम जो पुलिस की गश्तियाँ हैं वो आने जाने वाले लोगों को, हालांकि इसमें अनिवार्य सेवाओं को छूट दी गई है, जो मरीज के परिजन हैं वो अस्पताल में जा सकते हैं, जो अनिवार्य सेवाएँ हैं जैसे दूध की सेवा, दवा की सेवा, वो खुली रहेगी। सहयोगी सप्तऋषि के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज़। तो झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में पुराने मरीजों के स्वस्थ होने के बाद भी यह स्थिति है। बीते 24 घंटे की बात कर लेते हैं जहां 5,961 नए मरीज मिलने के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 55,000 से ज्यादा हो गई है। राज्य में गुरुवार को 36,291 लोगों की कोरोना जांच हुई जिनमें 5,961 लोग संक्रमित पाए गए, यानी कि हर 100 लोगों की जांच में 16 संक्रमित मिले हैं। रांची में सबसे ज्यादा 1,539 संक्रमित मिले हैं। यहाँ लगातार 17वें दिन 1,000 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में संक्रमित मिले हैं। राहत की बात यह है कि राज्य में 24 घंटे के अंदर 4,755 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो कोरोना काल से जूझ रही जनता के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के दामों को घटा दिया है। इस स्वदेशी कंपनी ने राज्यों के लिए अपनी वैक्सीन के दाम यहां पर कम किए हैं। राज्य को अब भारत बायोटेक की यहां पर कोवैक्सीन 400 रुपये प्रति डोज मिलेगी। गुरुवार को कंपनी ने ये जानकारी ट्वीट कर दी। भारत बायोटेक ने इससे पहले शनिवार को बताया था कि वो अपने कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को राज्य सरकार को 600 रुपये प्रति खुराक और निजी अस्पतालों को 1200 रुपये प्रति खुराक में उपलब्ध कराएगी, लेकिन अब ये वैक्सीन के दाम घटाकर 400 रुपये कर दिए गए। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमितों के लिए हर दिन मुश्किलों भरा है। दवाओं की कमी के साथ ऑक्सीजन की समस्या हो गई। संक्रमितों की मौत के बाद तोड़फोड़ के साथ बवाल हो रहा है और ऐसी घटनाओं के शिकार जूनियर डॉक्टरों ने जब हड़ताल की तो उसका खुलासा हुआ। बीते दिन नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने इस मामले को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र कुमार और सचिव डॉक्टर कुशाग्र के साथ सात जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने पहुंचा, समस्या की सुधार की मांग की। जूनियर डॉक्टरों ने पहला मामला मैन पावर बढ़ाने और दवाओं की कमी को दूर करने का उठाया। तो बिहार के बेगूसराय में कोरोना संक्रमितों की बेशुमार बढ़ती संख्या को लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन लागू की गई है और इसे सख्ती से पालन कराने और इसके प्रति जागरूकता को लेकर सदर यहां पर SDM शहर के सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान अधिकारी कई दुकानों को बंद करवाते दिखे। वन अधिकारी कल से 4 बजे तक सारी दुकानें बंद। कितने बजे से कर्फ्यू लगा रहे हैं? शाम 6 बजे से सरकार का निर्देश है कि शाम 6 बजे से अगले सुबह 6 बजे तक लोगों में जागरूकता है। ये तो देखा जा रहा है कि प्रायः सभी लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब सब्जी लेने या दुकान पर जाते हैं तो थोड़ा भीड़ बढ़ जा रहा है, इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ साथ दुकानदारों को कहा जा रहा है कि यदि वो कोविड के नियमों का पालन नहीं कराएंगे ग्राहकों से या खुद नहीं करेंगे तो उनके दुकान को सील भी किया जा सकता है। बड़ा बड़ा
तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार यहाँ पर लोगों से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, लोगों को समझाया जा रहा है। लगातार बेशुमार बढ़ती संख्या को लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइन यहां पर लागू की गई है और इसका सख्ती से पालन कराने के प्रति जागरूकता को लेकर यहां पर सदर एसडीएम शहर की सड़कों पर उतरे हैं। सड़कों पर उतरकर जो दुकानें खुली हुई थी उन दुकानों को बंद कराया गया। लोगों से अपील की गई है, लगातार शासन प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। यहां लोगों को समझाया जा रहा है, बार बार उनसे अपील की जा रही है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, राज्य सरकार का साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप राज्य सरकार का साथ नहीं देंगे और इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। और कार्रवाई के साथ एक सबसे अहम बात कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसीलिए राज्य सरकार का साथ दीजिए और जो नियम यहां पर बनाए गए हैं उन नियमों का पालन कीजिए। एक बार फिर से वीआईपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। बिहार के कटिहार में कोविड मरीजों के इलाज के लिए दवा के साथ साथ कई अन्य चीजें नहीं मिलने की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाने के बाद कटिहार जिला पदाधिकारी के आदेश पर कटिहार अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने संयुक्त टीम बनाकर कटिहार के कई बड़े दवा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर जाँच की, साथ ही जाँच के दौरान कई कागजातों को भी जब्त किया गया। मांग बढ़ जाने के कारण ऐसी सूचना मिल रही है कि इसे ऊंचे दामों में बेचा जा रहा है, तो इसी की जांच पड़ताल की जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा भी हम लोग साथ में आए थे और सभी जो भी है इम्पोर्टेंट जो भी दुकानदार है या सरप्राइज रूप से भी हम लोग जो है वैसे दुकानदार में दुकान में जा कर के जाँच पड़ताल करेंगे जहाँ से शिकायतें मिल रही हैं। मैं लोगों से भी आग्रह करूँगा कि इस तरह की अगर सूचना मिलती है कि या कोई इस तरह का कोई दुकानदार ऊंचे दामों में प्रिंटेड दाम से अधिक दामों में अगर बेच रहा हो, इसकी सूचना तुरंत जो है जिला प्रशासन या हमारे मोबाइल पर पर्सनल मोबाइल पर भी वो दे सकते हैं। हाँ, कुछ शिकायत मिल रही थी कोविड से रिलेटेड जो दवाई या ऑक्सीमीटर या सैनिटाइजर या मास्क जो भी है, तो चूँकि इसका काफ़ी डिमांड है तो जो इसके जो बेचने वाले हैं वो ग्राहकों से अधिक पैसा ले रहे हैं। इसी टाइम में इसी लेकर के एक ज्वाइंट टीम बना हुआ है डीएम स्तर से, डीएम साहब के स्तर से, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर एसडीओ साहब हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और इसमें इस तरह की कोई अनियमितता यदि पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कई कागजातों को यहाँ पर जब्त किया गया है। एक बार फिर से वीआईपी न्यूज़ की खबर का असर हुआ। बिहार के कटिहार में कोविड मरीजों के इलाज के लिए दवा के साथ साथ कई अन्य चीज़ें नहीं मिलने की खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। वही खबर दिखाने के बाद कटिहार जिला पदाधिकारी के आदेश पर कटिहार अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर कटिहार के कई यहाँ पर दवा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर जाँच की गई, साथ ही साथ इस दौरान कई कागजातों को भी जब्त किया गया। तो एक और जहां वैश्विक महामारी में लोग कालाबाजारी यहां पर खबरें सामने आ रही हैं, साथ ही साथ दूसरी और कुछ ऐसे भी लोग सामने आ रहे हैं जो मानवता के लिए मिसाल साबित हो रहे हैं। जी हां, एक और वैश्विक महामारी में कालाबाजारी की कई खबरें यहां आमतौर पर सुनने को मिल रही हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मिसाल बनकर सबके सामने खड़े हैं। इस विपदा की घड़ी में ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाने वाले अमित का नाम हमारे सामने आया है। पेशे से पत्रकार अमित समाचार संग्रहण के दौरान लोगों की मदद के लिए गुहार किए जाने के बाद यहाँ पर उन्होंने ठाना कि हर हाल में ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जाएगा। इसी के चलते अमित पटना के बाईपास थाना सहित अन्य 4 ऑक्सीजन प्लांटों से ज़रूरतमंदों को फ्री में ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। तो मैंने ये ठाना कि नहीं, लोगों को जहाँ तक हो सके ऑक्सीजन मुहैया कराना चाहिए और जो नीडेड लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनका भी फ़ोन आता है, तमाम लोगों का फ़ोन आता है। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनके लिए हम यहाँ निःशुल्क ऑक्सीजन की व्यवस्था रखे हैं। लोग आएँ, लोग जहाँ भी हों, मेरा नंबर सोशल साइट पर चल रहा है,
लोग हम पटना में हैं, पटना में कोई भी व्यक्ति कहीं रह रहा हो वो मुझे फ़ोन करे, मैं निःशुल्क ऑक्सीजन मुहैया करा रहा। तो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, मानवता की मिसाल बनकर सबके सामने आज अमित खड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहां पर उन्होंने लोगों को निशुल्क ऑक्सीजन मुहैया कराने की यहां पर एक पहल की है, लोगों को निशुल्क यहां पर ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। साथ ही साथ अमित पेशे से पत्रकार है, ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन यहाँ पर दिलाकर नेकी का काम करते हुए नजर आए। इसी के चलते अमित पटना के बाईपास थाना सहित अन्य चार ऑक्सीजन प्लांटों से जुड़े और साथ ही जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उन तमाम लोगों को ऑक्सीजन देते हुए नजर आए। एक और वैश्विक महामारी में कालाबाजारी की खबरें आमतौर पर हम यहां लगातार वीआईपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ मिसाल बनकर सबके सामने खड़े हैं। तो अनूपपुर जिले में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन ने गांव से शहर तक आने पर भी प्रतिबंध यहां पर जारी कर दिया है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी एसडीएम की परमिशन की जरूरत है। साथ ही कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से यहाँ पर पालन हो इसके लिए पुलिस ने सभी क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाकर जाँच पड़ताल भी शुरू कर दी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो जगह जगह पुलिस लगा के इनको समझाएंगे, रोकेंगे, इनको बाहर नहीं आने देंगे। सर, जैसे लोग बाहर से आ रहे हैं तो उनसे भी गाड़ियां रोक के पूछताछ की जा रही है? क्यों नहीं पूछेंगे, क्या किसी के निमंत्रण में आ रहे हैं? आप वैसे ही घूम रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम समझाने में लगे और समझने के लिए तैयार नहीं है तो पुलिस और कैसे समझाएगी? रोक के ही समझाएगी उनको कि आप लॉकडाउन का पालन करें। इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं और ऐसे में जिला प्रशासन ने गांव से शहर तक आने पर भी यहां पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी एक गांव से आप दूसरे गांव तक नहीं जा सकते, आपको एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए यहाँ एसडीएम की परमिशन की ज़रूरत है। बिना परमिशन के आप एक गांव से दूसरे गांव अब नहीं जा सकते हैं। अनूपपुर में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से यहाँ पर पालन करवाया जा रहा है। जो लोग यहाँ बेफिजूल में घूम रहे हैं उन लोगों का चालान भी काटा जा रहा है, उन लोगों से यहाँ सख्ती से प्रशासन पेश आ रहा है। पुलिस ने सभी क्षेत्रों में बैरिकेड्स लगाकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है, अभी आपने सुना, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन का यही कहना है कि लोग मानने को तैयार नहीं, लोग नहीं मान रहे हैं, इसी वजह से तमाम जगहों पर, तमाम चेक पोस्टों पर बैरिकेड्स लगा के लोगों को वापस उनके घर भेजा जा रहा है। यानी अब एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए भी आपको एसडीएम की परमिशन यहां पर लेनी होगी, बिना उनकी परमिशन के आप नहीं जा सकते। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। जी हां, बड़ी खबर पटना से, बिहार में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। बड़ी खबर इस वक्त की पटना में, बिहार में कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया है। 30 दिन में 1,00,000 पार हो गए हैं एक्टिव मामले। 904 लोगों की जान लेकर 50 गुना तेजी से बढ़ा है कोरोना बिहार में। बिहार से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया है। तो बिहार में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 30 दिन, महज 30 दिन में 1,00,000 पार हो गए हैं एक्टिव मामले। तो 904 लोगों की जान चली गई है और 50 गुना तेजी के साथ कोरोना अपने पैर यहां पर पसार रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 30 दिन में लगभग
एक लाख पार हो गए हैं ये पूरे मामले। 904 लोगों की जान लेकर 50 गुना तेजी से बढ़ा है कोरोना। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुमार गौतम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, 30 दिन में 1 लाख पार हो गए हैं एक्टिव मामले, बिहार में कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया है, 904 लोगों की जान लेकर 50 गुना तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, जो आंकड़े बता रहे हैं वो बिहार के लिए बेहद खतरनाक है। और जिस तरीके से अब 35 दिनों के अंदर आप देखिए कि 1 लाख के पार करना और मरीजों का संक्रमण होना, ये बताता है कि अभी बहुत सारी टेस्टिंग जबकि बाकी है और ये 7 दिन से 6 दिन से के पहले की ये नतीजे है, यानी कि स्थितियां अगले एक सप्ताह में और भी भयावह हो सकती है। यानी कि जो कोरोना का जो रफ्तार है वो पूरी तरह से बेलगाम हो गया है। बिहार इस वक्त ऐसे दहलीज पे खड़ा है जहां पर महामारी के चपेट में पूरी तरीके से है। सरकार, प्रशासन, आम लोग लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि अब कोरोना से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि आपको अब घरों में कैद रहना होगा। हालांकि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं वो आपने देखा कि वो मुकम्मल नहीं हो पा रहे थे, यही कारण है कि कल से एक नई सिस्टम के तहत, नए गाइडलाइन के तहत शाम को 4 बजे से तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया, 6 बजे से आने जाने वाले तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया, क्योंकि कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। लेकिन स्थितियां फिर आज से वैसे ही नजर आ रही है, क्योंकि 6 बजे के बाद दुकानें खुल जा रही है, लोग बाहर निकलने लगे हैं। हालांकि सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों में 25% ही कर्मचारियों को आने की हिदायत दी गई है। बावजूद इसके जो सड़कों पर जो भीड़ है वो भीड़ को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन विफल है, क्योंकि खरीदारी को लेकर के रोज की सब्जियां खरीदने में, किराना की दुकान को खरीदने में, या फिर अपने मवेशियों के लिए जो चारा व्यवस्था करने में, जिस तरीके की जो भीड़ जहां तहां जो मंडियों में देखने को मिल रही है, शायद उससे निपट पाना ये बहुत मुश्किल है। जब तक अब सख्ती नहीं किए जाएंगे प्रशासन की तरफ से, जब तक गौतम गलत नहीं होगा कि बिहार सरकार के लिए भी चुनौतियां अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अगर हम यहां पर बात करें संक्रमितों की, एक्टिव केसेस की, तो लगातार एक्टिव केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, रिकवरी रेट जो है वो पूरी तरीके से घट चुका है, ऐसे में यहां पर सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है गौतम। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, सरकार के लिए चुनौती है और ये सरकार कहीं ना कहीं अपने ही पीठ थपथपाने में रह गई, सरकार बनाने में रह गई, मिलन समारोह करने में रह गई। जनता का जो ख्याल है, जो ये जब ये आंकड़े बढ़ने लगे तब सरकार एक्शन में आती है, लेकिन उनके हाथ से भी अब ये चीजें निकल गई है। मैं आपको एकदम स्पष्ट कह देता हूँ कि शमशान घाट के आंकड़े ये बताने के लिए काफी है कि कितनी लाशें गिर रही है, कितने मरीजों की मौत हो जा रही है। और इसके लिए अब सरकार को अगर अभी भी नहीं चेती तो शायद आने वाले 7 दिनों के अंदर स्थितियां बहुत बेकाबू हो जाएगी। देखिए, आप पिछले 35 दिन में 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाना, ये अपने आप में एक ऐसी भयावह स्थिति है कि जहां पर आने वाले 7 दिनों के अंदर जो स्थिति होगी, अगर इसको कंट्रोल या इसको कंट्रोल अब तो कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर किया जा सकता है कि लोगों को लॉकडाउन के जरिए अंदर घर में रहने की हिदायत, तब तक 7-8 दिन तक एक्शन नहीं चलेगा तब तक कोरोना के चेन को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ये आंकड़े आपको मैं बता दूं, ये आंकड़े 7 दिन पहले के हैं, ये अभी जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो 6-7 दिन पहले के हैं, अभी वो अभी और आने बाकी है रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं जो 1 लाख टेस्टिंग अगर रोज होगी तो ये आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। सरकार की तरफ से जो सरकारी तंत्र है वो सिर्फ ये कह रहा है कि हमारे पास जो अस्पतालें हैं वो अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती जी। आप अंदाजा लगाइए कि अभी भी घरों में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो अभी अस्पताल नहीं गए हैं, वो घरों में इलाज करा रहे हैं, आइसोलेशन में है, होम क्वारंटीन में है। अगर उनकी स्थिति और बेहद खराब होती है तो आप अंदाजा लगाइए कि और अस्पतालों का क्या हाल होगा।
राजधानी पटना ही नहीं पूरे बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, बिल्कुल पूरे बिहार की ही हम बात कर रहे हैं। लगातार बिहार में यहाँ पर कोरोना का रिकॉर्ड गौतम टूटता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो 904 लोगों की जान चली गई है और 50 गुना तेजी से बिहार में कोरोना फैल रहा है और ऐसे में जरूरत है आपको अपना ख्याल रखने की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जहां पुलिस ने यहां पर अंधरा ढाड़ी थाना क्षेत्र में झपटामार गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से पुलिस ने 1,00,000 रुपए और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। खबरों की माने तो अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पहले उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। देवी मिसौरिया की रहने वाली है, जिनकी बच्चे की शादी थी, वो 1,00,000 रुपया निकाल के अपने बच्चे के साथ आई थी और मोटरसाइकिल की डिक्की में रखी थी। इसी क्रम में इस एक लड़के के द्वारा मास्टर की से डिक्की तोड़ करके पैसा निकालने का प्रयास किया जा रहा था। बगल में एक गश्ती गाड़ी थी और लोगों के द्वारा इसकी संदिग्ध एक्टिविटी को नोटिस किया गया और गश्ती गाड़ी को खबर की गई। थानाध्यक्ष को इन्फॉर्म मिला, तुरंत ये लोग पहुँचे और अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और उनके पास से 1,00,000 रुपया रिकवर भी हुआ, मास्टर की भी है और हमारे पास मोबाइल भी है। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।